हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया एकदम। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बहुत सारे बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अभी तक आपने जो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जरूर देख लेना। ओके बच्चों, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जो कि है करंट डेंसिटी एंड ओम्स लॉ। इसके ऊपर आज हम बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो आइए शुरू करते हैं। एमसीक्यू नंबर वन, विच वन इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चों, करंट डेंसिटी का इक्वेशन हमें पता है कि जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए होता है। इसमें आई है इलेक्ट्रिक करंट और ए है एरिया। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं। सेकंड नंबर, करंट डेंसिटी इन अ कॉपर वायर इज 2.5 इंटू 10 रेज टू 8 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इफ 8 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, डायमीटर ऑफ द वायर इज डैश। तो बच्चों, यहाँ पे हमें करंट डेंसिटी दी हुई है जो कि है करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 रेज टू 8 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और एक वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 8 एम्पियर। हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द वायर, डी फाइंड करना है। तो बच्चों, कौन सा इक्वेशन है करंट डेंसिटी का? यस, वही इक्वेशन हम यूज करेंगे, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। बच्चों, इधर जो वायर है उसका एरिया, वो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जो कि सर्कुलर होता है, तो उसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। और हमें फाइंड करना है डायमीटर, तो इधर रेडियस है तो रेडियस पे से हम डायमीटर लाएंगे। आर मीन्स डी बाई टू, और आर स्क्वायर है तो डी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, और ये जो फोर है वो ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों, हमें यहां फाइंड करना है डायमीटर, तो डी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे हम। डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4i अपॉन पाई जे। तो यहां पे हम i की वैल्यू रखेंगे 8, पाई मतलब 3.14, और j की जो वैल्यू है वो होगी 2.5 10 रेज टू 8। ओके, तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन ए, 0.2 mm। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो चलो आगे नेक्स्ट वाले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेन शोन इन द फिगर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर। द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट पी इन द कंडक्टर विल बी। बच्चों, यहां पे जो क्रॉस सेक्शन है वो करंट के नॉर्मल नहीं है, और हमें फाइंड करना है पी पॉइंट पे करंट डेंसिटी। तो कैसे करेंगे? यहां पे आप फिगर में देख सकते हैं कि करंट है वो 2 एम्पियर है, और जो प्लेन है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ऐसे है। तो बच्चों, हमें फाइंड करना है करंट डेंसिटी एट पॉइंट। तो इसके लिए हम सिंपल जे इक्वल्स टू आई बाई ए इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों कि जब करंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो। यहां पे करंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं इधर कि जो इसका एरिया वेक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया का वो इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जो करंट के साथ एंगल बना रहा है इधर 90 डिग्री बनाएगा, और इसमें से 60 तो ये है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो यहां पे जो एरिया वेक्टर है वो करंट के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम करंट डेंसिटी फाइंड करने के लिए एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे कि जो करंट की डायरेक्शन में हो। तो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट जो कि करंट की डायरेक्शन में है वो होगा ये वाला, जो कि बनेगा a cos 30, a cos थीटा। तो इसके ऊपर से हम फाइंड करेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होगी j इक्वल्स टू i अपॉन a
cos 30. तो बच्चों यहां पे करंट दी हुई है हमें 2 एम्पियर और जो कि एरिया गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया को हम कन्वर्ट कर देंगे. पहले तो एरिया को कन्वर्ट कर देते, एरिया होगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगी -4 10^-4 मीटर स्क्वायर. तो यहां पे हम वैल्यू रखते हैं तो 2 डिवाइड बाय एरिया की वैल्यू होगी 10^-4 और cos 30 होगी √3/2, 2 ऊपर चली जाएगी. तो यहां से हमें करंट डेंसिटी मिलेगी 4 अपॉन √3 × 10^-4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जो कि आंसर ए है. तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए. ओके बच्चों, तो चलो नेक्स्ट वाला करते हैं. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड करंट डेंसिटी जे एंड रेजिस्टिविटी रो. बच्चों ये थियरी में हमें पढ़ा हुआ है कि ई रो और जे के बीच का जो रिलेशन है वो होगा ई इक्वल्स टू जे रो. सो बच्चों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट. फिफ्थ, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई रिप्रेजेंट. बच्चों ये भी हमने थियरी में पढ़ा हुआ है कि जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई रिप्रेजेंट ओम्स लॉ. ओके बच्चों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट वाला करते हैं. सिक्स, अ करंट डेंसिटी ऑफ 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन अ कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 5×10^-8 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड अक्रॉस इट. द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज डैश. बच्चों यहां पे करंट डेंसिटी दी हुई है, करंट डेंसिटी है जे इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई इक्वल्स टू 5×10^-8 वोल्ट पर मीटर. तो बच्चों हमें फाइंड करना है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी रो फाइंड करनी. तो अभी हमने एक एमसीक्यू में देखा रिलेशन बिटवीन ई जे और रो के बीच जो रिलेशन है वो है ई इक्वल्स टू जे रो. तो यहां से हम रो को सब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा ई बाई जे. तो ई की वैल्यू रखेंगे 5×10^-8 डिवाइड बाय जे 2.5. तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2×10^-8 ओम इनटू मीटर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों चलो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू करते हैं. 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. इसमें से कौन सा यूनिट रेजिस्टेंस का है. तो रेजिस्टेंस का इक्वेशन हमें पता है कि R इक्वल्स टू V अपॉन I होगा और V का जो यूनिट है वो हम ऐसे निकालेंगे V इक्वल्स टू W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन का यूनिट है जूल और Q का है कूलम, जूल पर कूलम. तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे यूनिट की, वोल्ट का यूनिट होगा जूल पर कूलम और I करंट का यूनिट होगा एम्पियर. तो बच्चों ये यूनिट है ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट वाले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. 8, 4 वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, डैश वायर हैज अ मैक्सिमम रेजिस्टेंस. बच्चों यहां पे हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन ए में शॉर्ट एंड थिक है, ऑप्शन बी में शॉर्ट एंड थिन है, ऑप्शन सी में लॉन्ग एंड थिक है और ऑप्शन डी में लॉन्ग एंड थिन है. तो इनमें से कौन सा वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा. तो बच्चों रेजिस्टेंस हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन पता है R इक्वल्स टू रो एल बाय ए. यहां से हमें पता चलेगा कि R जो है, यहां से हमें पता चलेगा कि जो R है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट में. मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो बच्चों रेजिस्टेंस मैक्सिमम होने के लिए हमें लॉन्ग वायर चाहिए और क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल यानी कि थीन वायर चाहिए. मतलब
लेंथ हमें ज्यादा चाहिए एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम चाहिए, तभी हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, तभी हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। सो बच्चों ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वायर हमें लॉन्ग चाहिए और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल यानी कि थिन वायर चाहिए। ओके तो बच्चों मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि इन चार कंडीशन में से किसमें मिनिमम रेजिस्टेंस होगा वो आपको मुझे फाइंड करके बताना है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके बच्चों तो अगला वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। 9 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स, बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और जो रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है। ओके बच्चों तो चलो ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए लेंथ, बी क्रॉस सेक्शनल एरिया, सी डायमेंशन और बी मटेरियल। तो बच्चों यहाँ पे एक क्लियर बात मैं आपको बता देता हूं कि जो रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड ऑन द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और शेप, वो साइज और शेप से इंडिपेंडेंट, मतलब कि डायमेंशन पे वो डिपेंड नहीं कर रही है, वो ओनली डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। ओके बच्चों तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके तो चलो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। MCQ 10, resistivity of material of a conducting wire is 4×10⁻¹⁸ ohm into meter. Volume of the wire is 4 meter cube and resistance is 4 ohm. Therefore, its length will be. तो बच्चों यहाँ पे resistivity दी हुई है rho equals to, resistivity दी हुई है rho equals to 4×10⁻¹⁸ ohm into meter. Volume है 4 meter cube. Resistance है 4 ohm एंड लेंथ हमें फाइंड करनी है। ओके बच्चों तो हमें लेंथ फाइंड करनी है तो इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करेंगे R equals to rho L by A। तो बच्चों आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे एरिया दिया हुआ, सर यहाँ पे तो वॉल्यूम दिया हुआ है और इक्वेशन में तो एरिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम वॉल्यूम को इक्वेशन में लाएंगे, कैसे लाएंगे तो इस इक्वेशन को हम ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर में एरिया इनटू लेंथ हो गया तो एरिया इनटू लेंथ जो है वो बन जाएगा वॉल्यूम। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, एल को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर वी अपॉन रो, सो हम एल इक्वल्स टू हो जाएगा आर वी अपॉन रो रेस टू 1/2। तो बच्चों यहां पे हम वैल्यू रखेंगे L इक्वल्स टू 4×4 डिवाइड बाय रो की वैल्यू है 4×10⁻¹⁸ और बच्चों यहां पे हम रूट कर देंगे तो यहां पे एक 4 कट हो जाएगा, इस 4 का रूट आ जाएगा 2 और 10⁻¹⁸ है वो ऊपर जाएगा 10⁻⁸ और रेस टू 1/2 है ना तो 10⁻² हो जाएगा 4। सो बच्चों 2×10⁻⁴ मीटर, ये आएगा राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों चलो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 11, व्हेन 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड विद नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर, 4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, सो रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज डैश। तो बच्चों यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, 2 वोल्ट की बैटरी है और लेंथ एक वायर की लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करेंगे मीटर में 0.5 मीटर हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 1 mm स्क्वायर जो कि मीटर स्क्वायर में होगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर और करंट है I इक्वल्स टू 4 एम्पियर और बच्चों हमें फाइंड करना है रेजिस्टिविटी, रो फाइंड करना है बच्चों। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों R equals to rho L by A।
और यहाँ पे हमें फाइंड करना है रेजिस्टिविटी, बट वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, तो इसके लिए हम R की जगह V अपॉन I रखेंगे। और यहां से हम रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो हमारा इक्वेशन बनेगा V अपॉन I इंटू ए बाय एल। तो बच्चों यहां पे हम वैल्यू रखेंगे, V की वैल्यू 2, A की वैल्यू 10^-6, I की जो वैल्यू है वो 4 है और लेंथ की वैल्यू है 0.5। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10^-6 ओम इंटू मीटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो चलो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। 12. The voltage V and current I graphs for a conductor at two different temperature T1 and T2 are shown in the figure. The relation between T1 and T2 is dash. तो बच्चों यहाँ पे हमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया हुआ है दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक T1 टेम्परेचर पे और एक T2 टेम्परेचर पे। तो बच्चों इन दोनों ग्राफ में से किस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, तो फर्स्ट ग्राफ का। ओके बच्चों, तो जो फर्स्ट ग्राफ है उस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, सो स्लोप ऑफ ग्राफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ग्राफ 2। बच्चों इस ग्राफ का हम स्लोप फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस ग्राफ का अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे तो यहां पे हमें वोल्टेज मिलेगा और यहां पे हमें चेंज इन करंट मिलेगा, यहां पे चेंज इन वोल्टेज और यहां पे चेंज इन करंट मिलेगा। तो इसका हम स्लोप फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई 1 एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई 2 फॉर सेकेंड ग्राफ। तो बच्चों इनमें से फर्स्ट ग्राफ का स्लोप ज्यादा है। ओके, और बच्चों डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई वो क्या होती है, वो रेजिस्टेंस होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई तो रेजिस्टेंस होता है, सो आर 1 ग्रेटर देन आर 2 हो जाएगा। सो बच्चों फर्स्ट ग्राफ का जो रेजिस्टेंस है वो सेकेंड ग्राफ से ज्यादा है। और बच्चों हमें एक फैक्ट पता है, क्या बच्चों, कि फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स रेजिस्टेंस का रिलेशन टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वायर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो यहां पे हमें मिला है कि R1 ग्रेटर देन R2 है, मतलब कि वायर 1 का रेजिस्टेंस वायर 2 से ज्यादा है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर रेजिस्टेंस फर्स्ट वायर का ज्यादा है सेकंड से, तो किस ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर इसको हम ध्यान में रखें तो, मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो जो R1 ग्रेटर देन R2 है तो टेम्परेचर का रिलेशन क्या आएगा बच्चों, T1 ग्रेटर देन T2। यस बच्चों, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो चलो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। 13. द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज वी एंड करंट आई इन अ कंडक्टर इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डैश। बच्चों यहां पे वोल्टेज और करंट का ग्राफ है और इसमें से हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो VI ग्राफ में से हमें रेजिस्टेंस फाइंड कैसे कर सकते हैं, स्लोप फाइंड करके। यस, तो इसका हम स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन करंट। तो बच्चों यहां पे वोल्टेज 0 है तो करंट 0 है, और जब वोल्टेज 6 वोल्ट होगी तब करंट कितना हो रहा है, 3 एम्पीयर। ओके बच्चों, तो यहां पे हम वैल्यूज रखेंगे चेंज इन वोल्टेज, तो वोल्टेज में चेंज हो रहा है 6-0 का और करंट में चेंज हो रहा है 3-0 का। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 ओम, सो R इक्वल्स टू 2 ओम। सो बच्चों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू 14. द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल इट्स कंडक्टिविटी विल डैश। तो बच्चों कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की तरह ही नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करती है, बट वो साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करती। मतलब
कोई कंडक्टर है उसकी लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो कंडक्टिविटी चेंज नहीं होगी। ओके बच्चों, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो इधर एक इक्वेशन है, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो यहां से कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी जैसे चेंज होगी वैसे ही कंडक्टिविटी वैसे ही चेंज होगी। रेजिस्टिविटी जिस पे डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी वैसे ही उस पे डिपेंड करती है। ओके बच्चों, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन अनचेंज। ओके बच्चों, तो चलो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू 15, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.72 × 10⁻¹⁸ ओम इनटू मीटर। करंट डेंसिटी थ्रू अ कॉपर वायर इज 1.3 × 10⁵ एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन द वायर। तो बच्चों ऐसा एमसीक्यू हमने अभी पहले भी किया है, तो बच्चों ये एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके बच्चों, तो चलो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 16, अ वायर हैज अ लेंथ 2 मीटर, रेजिस्टेंस 5 ओम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर। तो बच्चों यहां पे लेंथ दी हुई है 2 मीटर, रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 5 ओम है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है और करंट वायर में से फ्लो हो रही है 10 एम्पीयर। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, और जो वी है वो हो जाएगा E इंटू एल अपॉन आई। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाएंगे तो E इक्वल्स टू आर आई अपॉन एल। जो R की वैल्यू है वो है 5, करंट की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई लेंथ 2। तो यहां से हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 25 वोल्ट पर मीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट वाले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। MCQ 17, if a wire of resistance R is melted and recasted to half its length, then new resistance of the wire will be test. तो बच्चों यहाँ पे एक वायर है जो कि वायर की लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और जो वायर का रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है R, जो होगा R equals to rho L by A। अब इस वायर को रीकास्ट कर रहे और उसकी जो लेंथ L है उसको L by 2 का बना रहे, जो लेंथ को छोटी कर रहे L by 2, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा। तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो जो लेंथ है वो न्यू लेंथ दी हुई है L by 2, तो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा पहले हमें ये फाइंड करना है, उसके बाद हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो न्यू रेजिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो एक फैक्ट है बच्चों कि जो फर्स्ट वाला वायर है उसकी जो वॉल्यूम है वायर का, और सेकेंड वाला जो वायर है वो उस मटेरियल से ही बना हुआ है, मतलब कि वो मटेरियल उसमें से ही सेकेंड वायर बना हुआ है, तो दोनों वायर का वॉल्यूम तो सेम होगा बच्चों। तो फर्स्ट वायर का वॉल्यूम, तो बच्चा लोग दोनों वायर का वॉल्यूम सेम होगा, That means V equals to V dash. Volume क्या होता है बच्चों, एरिया into length, और ये होगा A dash into L dash. तो बच्चों length तो हमें पता है कि वो L by 2 है, जो यहां पे LL cut हो जाएगा तो new area of cross section मिल जाएगा 2A. तो बच्चों area double हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, area double होगा। अभी हमें find करना है new resistance, न्यू रेजिस्टेंस। तो बच्चों न्यू रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, आर डैस इक्वल्स टू रो एल डैस अपॉन ए डैस। अभी हम एल डैस और ए डैस की वैल्यू रखेंगे, एल डैस है एल बाई टू और ए डैस है ए बाई टू। तो बच्चों यहां पे ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, सो बच्चों 1/4 रो एल बाई ए, और जो रो एल बाय है बच्चों रो एल बाय ए वो है आर, आर बाय 4। सो बच्चों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगा। ओके बच्चों, पता चला, तो चलो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं।
18. Resistivity of wire is rho. Its length is 4 meter and its resistance is 4 ohm. Then the volume of this wire is dash. तो बच्चों रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ 4 मीटर है, एल है 4 मीटर, रेजिस्टेंस 4 ओम और वॉल्यूम फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए हम यूज करेंगे R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे ए इंटू एल वॉल्यूम हो जाएगा। बच्चों अभी ऐसे हमने एक एमसीक्यू में किया था, तो यहां से हम फाइंड करेंगे v इक्वल्स टू रो l स्क्वायर अपॉन r। रो की जो वैल्यू है वो रो ही है, l है 4 स्क्वायर और r है 4, 4 4 कट हो जाएगा, सो वॉल्यूम हमें मिलेगा 4 रो। सो बच्चों कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन b इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों चलो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू 19। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 mm स्क्वायर is 25 micro ohm centimeter. The resistance of the wire will be dash. बच्चों ये MCQ आपको खुद करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ओके बच्चों तो चलो आइए नेक्स्ट वाला MCQ सॉल्व करते हैं। 20. The masses of three wire of copper are in the ratio 5:3:1. So बच्चों masses का जो ratio है वो हमें दिया हुआ है m1:m2:m3 5:3:1 एंड देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:3:5 और लेंथ का जो रेशियो है l1:l2:l3 जो कि दिया हुआ है 1:3:5। तो बच्चों हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस, उसका रेशियो, रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस हमें फाइंड करना है r1:r2:r3 का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, चलो आइए सॉल्व करते हैं। सो हमें बच्चों R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, वो इक्वेशन तो पता है हमें। तो बच्चों हम इसको ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें मिल जाएगा रो एल स्क्वायर बाई बी, ऐसा हमने किया है पहले। अभी हम बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम का इक्वेशन रखेंगे, वॉल्यूम मतलब हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, और जो डेंसिटी है वो नीचे आ जाएगी। इधर हम ऐसा इक्वेशन यूज कर रहे हैं कि डेंसिटी d इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो बच्चों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होगा। ओके बच्चों तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। r प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एम। अभी हम रेशियो ले लेते हैं बच्चों r1:r2:r3 equals to L1 square by M1, L2 square by M2, L3 square by M3। चलो बच्चों रेशियो ले लिया, अब हम वैल्यू रखेंगे बच्चों। तो वैल्यू L1, L2, L3 और M1, M2, M3 की जो वैल्यू है वो हम रखेंगे यहां से 135। L1, L2, L3 की वैल्यू है 135 बच्चों। तो चलो 1, 3, 5 और जो M1, M2, M3 की वैल्यू है 5, 3, 1 है, तो 5, 3, 1। तो बच्चों यहां पे एक 3 कट हो जाएगा, तो यहां पे मिलेगा हमें 1/5, 3 और 25। तो बच्चों ये रेशियो फ्रैक्शन में तो नहीं होगा, तो हम इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, इसको 15 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। सो ये हमारा आंसर मिल गया। तो बच्चों ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों तो चलो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा वाला एमसीक्यू था ये बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ओके चलो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। चलो 21। The masses of three wires of copper are in the ratio of 1:2:3 and their length are in the ratio of 3:2:1. The ratio of their resistances is dash. Okay, बच्चों क्या करना है आपको पता चल गया, ये MCQ आपको खुद करना है और comment box में बताना जरूर है। Okay, तो चलो next वाले MCQ solve करते हैं। 22. The length of wire is half T
कीपिंग इट्स क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट, वॉट विल बी इट्स न्यू कंडक्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे जो वायर की लेंथ है उसको हम हाफ कर रहे हैं, मगर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, वो कॉन्स्टेंट ही है। तो उसका जो वायर हाफ कर रहे तो उसका न्यू कंडक्टेंस कितना होगा बच्चों, वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ओके बच्चों, तो हमें फाइंड करना है कंडक्टेंस, तो हम रेजिस्टेंस का क्या करेंगे, तो इस रेजिस्टेंस को हम कन्वर्ट करेंगे कंडक्टेंस में। कैसे, तो रेजिस्टेंस मतलब 1 अपॉन कंडक्टेंस होगा बच्चों, 1 अपॉन जी इक्वल्स टू रो एल बाय ए। सो बच्चों जी इक्वल्स टू ए अपॉन रो एल। तो बच्चों जो कंडक्टेंस जी है उसका लेंथ के साथ रिलेशन क्या होगा बच्चों, इनवर्स, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। और एरिया तो कांस्टेंट दिया हुआ है इधर, ओके बच्चों, तो एरिया कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो बच्चों जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अभी बच्चों यहां पे लेंथ हाफ हो रही है, जो लेंथ हाफ होगी तो कंडक्टेंस कितना होगा बच्चों, डबल ही होगा, क्योंकि रिलेशन क्या है बच्चों, इनवर्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वाले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द डायमेंशन m माइनस वन एल माइनस थ्री टी थ्री ए टू इज डैश। बच्चों हमें फाइंड करना है कि ये डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी की है। तो यहां पे हमें चार फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, तो हम एक एक करके चेक करेंगे बच्चों। चलो पहली बारी हम चेक करते हैं a वाली रेजिस्टेंस। सो बच्चों रेजिस्टेंस क्या होगी, R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो बच्चों V मतलब कि M1 L2 T माइनस थ्री ए माइनस वन, और ये करंट है मतलब कि A1। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो M1 L2 T माइनस थ्री ए माइनस टू मिलेगी। तो इससे मैच हो रही है, नहीं नहीं हो रही है। चलो B वाली चेक करते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो बच्चों रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए हम उसका डायमेंशन फाइंड करने के लिए R इक्वल्स टू रो एल बाई ए यूज करते हैं। सो रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, ये होगा बच्चों। सो R जो है वो है एम वन एल टू टी माइनस थ्री ये माइनस टू होगा, ये तो R हो गया बच्चों। A एरिया मतलब L2 होगा, और जो नीचे है L वो होगा एल। तो बच्चों यहां पे मास एम वन है, लेंथ होगा टू टू फोर, और यहां पे वन है तो ऊपर होगा थ्री एल थ्री टी माइनस थ्री और ए माइनस टू। तो बच्चों ये मैच हो रही है, नहीं बच्चों ये भी मैच नहीं हो रही है। चलो सी वाली हम चेक करते हैं, सी वाली है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो बच्चों कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। सो रेजिस्टिविटी की डायमेंशन क्या है बच्चों, एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू। तो यहां पे बच्चों ये ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी थ्री और ए टू। तो बच्चों ये मैच हो रही है, हाँ बच्चों ये मैच हो रही है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो ऑप्शन डी को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कि ई एम एफ बराबर, उसका इक्वेशन वोल्टेज के बराबर ही होगा। सो ई इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वेशन उसका होता है वर्क डन पर चार्ज। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला वोल्टेज के इक्वल ही होगा, मतलब कि एम वन एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने सारे एमसीक्यू कंप्लीट कर दिए हैं, और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और ऑल द वेरी बेस्ट।